हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी एस सिंपल रेसिपीज़। आज हम बनाने वाले हैं चिकन 65। हमने 250 ग्राम चिकन लिया है। इसमें हमने बेसिक मसाले मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, हल्दी और नमक डाल चुकी हूँ मैं। यहाँ लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है और ऊपर से गरम मसाला, थोड़ा हल्दी कम पड़ रही थी तो वो भी डाली मैंने। अब इसमें डाला है मैंने कॉर्नफ्लोर, और इसके बाद डलेगा चावल का आटा। थोड़ा सा चावल का आटा डाला है। अब इसे हम मिला लेंगे। इसमें एक अंडा भी डलेगा। एक अंडा फेंट रही हूँ मैं। एक अंडा फेंटने के बाद इसमें डाल दूँगी और सब सामग्रियों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ चम्मच से मैं मिक्स कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैरिनेट होने के लिए हम 15 मिनट रखेंगे। अब ये मैरिनेट हो जाएगा, इसको 15 मिनट रेस्ट करने देंगे, उसके बाद हम फ्राई करेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। अभी यहाँ चेक कर रही हूँ तेल गर्म हुआ है या नहीं। पहले तेल को हमें अच्छी तरह गर्म होने देना पड़ेगा। चिकन 65 फ्राई करने के लिए हमें तेल को अच्छी तरह गर्म, कड़क गर्म होने के बाद थोड़ा गैस की फ्लेम कम करके फिर हमें इसे डीप फ्राई करना है। यहाँ मैंने दो दो करके पीसेस डाल दिए हैं और इसे हम डीप फ्राई करेंगे। देखिए कलर कितना अच्छा लग रहा है इसका। गैस की फ्लेम कम रखेंगे तब जाके मतलब अंदर से भी ऊपर से क्रिस्पी करारा और अंदर से नरम ऐसा चिकन 65 बनेगा। अंदर जब हम गैस हाई रखेंगे तो हो सकता है वो जल जाए और अंदर से कच्चा रह जाए, इसलिए हम थोड़ा तेल कड़क गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम कम करके फिर अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब इसमें हम दो दो तीन तीन पीसेस करके निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखिए देखिए कलर इसका कितना सुंदर दिख रहा है। बाकी के भी चिकन के पीसेस मैं इसमें डाल रही हूँ। बाकी के भी चिकन फ्राई होने को आ चुके हैं। ये देखिए अब इन्हें भी मैं पलट लूँगी। इनका भी कलर देखिए। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये दो पार्ट में करने के बाद मैंने जो पहले के भी फ्राई हो चुके थे उन्हें फिर से एक बार सारे एक साथ फ्राई कर लिए थे, ताकि जो कलर में थोड़ा सा लाइट लग रहे थे उनका भी कलर अच्छा आया था। हमारी रेसिपी चिकन 65 बनकर रेडी है। ये पीसेस पूरे निकाल लूँगी मैं कढ़ाई में। ये देखिए चिकन 65 बनकर तैयार है। ये देखिए फ्रेंड्स, चिकन 65 कितना अंदर से नरम और ऊपर से क्रिस्पी और करारा बना है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती होगी तो मेरी बाकी की रेसिपी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और मैंने इस चैनल का नाम चेंज किया है। मेरा जो पहले नाम था वर्षा सिंपल रेसिपी, उसका शॉर्ट फॉर्म VS सिंपल रेसिपीज़ किया है। आप दूसरी भी रेसिपियाँ मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज का सुविचार है नेक सोच। नेक सोच वाला इंसान हमेशा अपनी जीत के लिए आगे बढ़ता है, ना कि किसी और को हराने के लिए। आज का मेरा वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आए।